Hey guys, आज की आपकी दोस्त और होस्ट मैं हूँ दिव्या। आज का जो व्लॉग है ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दीपक के कैमरे का जो कंट्रोल था आज मेरे हाथ में आ गया, मैंने उनका कैमरा कैप्चर कर लिया। तो आज का जो व्लॉग है ना हमारा सिंपल व्लॉग है बट फैमिली व्लॉग है, इसमें बहुत कुछ डिफरेंट होगा। हम कुकिंग भी करेंगे, म्यूजिक भी सुनेंगे, गेम्स भी खेलेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। तो थंबनेल देख के वैसे आप समझ गए होंगे व्लॉग में क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी आज वैसे ना मैं फर्स्ट टाइम कैमरे से खुद इंटरेक्ट कर रही हूँ, वरना मैं हमेशा जब व्लॉग हो रहा होता तब बीच में आती हूँ, लेकिन आज पहली बार मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वही ये बोल रही थी कि आज के व्लॉग की शुरुआत ये करेगी, तो मैंने कर दी। तो आज का सीन ऐसा है कि हम करने वाले हैं कैंपिंग। जी हाँ, हमारे पास एक कैंप है, ये रहा। तो कैंपिंग करेंगे, सीधा छत पे जाएंगे, टेंट लगाएंगे, कुकिंग करेंगे, मज़े करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी ये रहा सारा सामान जो कि हमें लेके जाना है। क्या क्या लिया? कुछ वेजिटेबल्स हैं जी, ये सारी सब्जियां हैं, मसाले वगैरह हो गए, मेयोनीज, केचप। आज सारा काम इनसे करवाऊंगा। एक हाथ में अपने लगी हुई है और एक हाथ में कैमरा है। एक ये आगे देखो भागते हुए आया। चल भाई उठा, टेंट लेके जाओ ऊपर, ठीक है? चलो 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 चलो, मैं भी आता हूँ। नहीं, हम फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राइज, पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। लो भाई सामान तैयार हो रहा है, अब क्या क्या बनेगा ये बताओ पहले। अरे अभी तो फ्रेंच फ्राइज बनने वाले हैं। सबसे पहले पॉपकॉर्न बनाऊंगी, फ्रेंच फ्राइज। इतने तुम लोग पॉपकॉर्न खाओगे ना, उनका झगड़ा हो रहा है कि नहीं पॉपकॉर्न पहले बनेंगे या फिर फ्रेंच फ्राइज। पहले फ्रेंच फ्राइज बनेंगे। नहीं, पहले मैं पॉपकॉर्न बनाऊंगी। ये गलत बात, यहीं पे लड़ाई शुरू होगी। हाँ, ये गलत बात। ये देखो हमने एक रिंग लाइट लगा रखी है रोशनी के लिए, और हम जो कैंपिंग है वो कर रहे हैं अपनी छत पे, और आसपास का जो सीन है वो ऐसा ही। देखो, और ये लिया है हम इंडक्शन। और हमारे पड़ोसी शायद ऊपर से देख रहे हैं, वो देखो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देखो भाई पागलपंती भी जरूरी है। हाँ, पागलपंती भी जरूरी है। घर से तो बाहर निकल नहीं सकता अभी मैं, तो हमने सोचा क्यों ना छत पे ही कैंपिंग कर लीजिए। तो भाई हमारा अंडरग्राउंड होने का समय आ गया, अंदर जा रहे हैं हम। बाय बाय। बाय बाय। ले लो। और ये देखो पटाखे बज रहे हैं, पटापट पटापट। ये देखिए कैसे पॉपकॉर्न फट रहे हैं, मतलब बन रहे हैं। ऐसे ना अक्षत के गाल पे पड़ते हैं पटाख पटाख। अरे नहीं पड़ते कुछ भी इधर। ये देखो हमारी मम्मी भी आज बैठी हुई है ऊपर। इंतजार कर रही है कब खाना बनेगा, आज हम लेट हो गए थोड़ा सा। हो गए हो गए। आहा क्या खुशबू आ रही है यार, वो होती है ना बटर, बटर वाली, बटर वाली। भूलन गया? नहीं, मजा आ गया। अभी क्या बन रहा है? अभी हम बनाएंगे रोटी फ्रेंकी, काठी रोल, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो आज आपके मुंह में पानी ना आ जाए ना तो कह देना भाई। ये देखो शिमला मिर्च, प्याज की कटिंग हो रही है। अभी हमारी आंखों से आने वाले हैं आंसू, प्याज की वजह से। गंदे वाले हेलमेट पहन ले फिर। आंसू नहीं आएंगे। अब लगता है कि ना कैंपिंग वाले व्लॉग स्टार्ट करने पड़ेंगे हमें, मतलब इसको साथ में ले जाना पड़ेगा और साथ साथ सब्जियां वगैरह बनवाओ और वहीं पे खाओ और सब मस्त हो जाओ। ये आ गया भैया पनीर। आए हाय, ये देखो पनीर लबाबदार। तो भाई साहब ये कट गई हमारी सब्जियां। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सब्जियां काटी हैं। ये है शिमला मिर्च, ये है गाजर, टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, हरी प्याज, पनीर और बीन्स। तो भाई ये लीजिए, प्याज का रंग अब ब्राउन होना शुरू हो गया है, और अब इसके बाद क्या होगा? देखो इसने ना खाना शुरू कर दिया, ये हमेशा का ड्रामा। मैं सब्जियां काटनी शुरू करती हूँ, आधी सब्जियां कटते कटते साफ।
हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, टमाटर तो बिल्कुल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। वक्त आ गया है काठी रोल का, बेस्ट तैयार। रोटी के ऊपर लग गया, इसके अंदर वेजिटेबल्स चलेंगे सारी। खा लो खा लो, नॉन वेज थोड़ी ना। पानी है बेटा ऊपर। कैसा बना मम्मी? अक्षत बना, अच्छा बना, मस्त। ग्लास भी तो है, कैंपिंग का मजा आ रहा है। तो भाई इधर डिस्कशन हो रही है कि कौन कितना खाएगा, बंटवारा हो रहा है खाने में। पोल पट्टी नहीं खोलनी है, ठीक है? ये ब्लूपर के लिए डाला जाएगा। अंदर की बात अंदर। आजकल हम लोग डाइटिंग पे चल रहे हैं थोड़े से। एक तरफ से सोना डालूंगा नहीं, एक तरफ से आलू डालूंगा और दूसरी तरफ से सोना निकालूंगा। यहाँ सोना होना तो कुछ नहीं निकलेगा, फ्रेंच फ्राइज जरूर निकल जाएंगे। मैं वॉश करके लाती हूँ। धुआं निकल रहा ना, आप कह रहे थे गर्म नहीं हुआ। तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना कि भाई आपको कैसा लग रहा है। मतलब यार हमें तो खाने में बहुत लजीज लगा था जो काठी रोल बनाया था, आपके मुंह में पानी आया कि नहीं ये बताना जरूर। ये हो गए तैयार हमारे फ्रेंच फ्राइज। अभी दो मिनट लगे, ये मंदी है इस पे ना, ये करारे करने होते हैं बिल्कुल। वैसे बाजार में ना इनको दो बार फ्राई करते हैं, एक बार अभी हो गए, अभी इनको 5 मिनट बाद दोबारा फ्राई करते हैं। क्या हो गया, लड़ाई होगी लग रहा है? अरे भाई लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। तो भाई गुंडे अटैक करने आ गए हैं, और एक और इनका साथी आ गया, देखो तीसरा। अब पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है। अरे नहीं मजाक कर रहे हैं, ऐसे आपस के भाई हैं ये। तो भैया आपस में ही बातें बातें कर रहे थे, ये उधर उनकी कुछ होगा। ये आ गए पनीर के कटलेट, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। हाँ बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मज़ा आ गया। लो भाई एक एक तुम्हारे हो रहे, मैं सिर्फ एक या दो ही खाऊंगा। तो अब तैयारी हो रही है भैया कि हम सोएंगे। एक्चुअली अक्षत का पेपर है सुबह, तो ये नीचे जाके सोएगा, मम्मी नीचे जाके सोएंगी और दिव्या और मैं कैंप में। हो गया सेट? लो जी अपना बिस्तर लग गया, अंदर कंबल बिछा दिए नीचे की साइड। एक मिनट पकड़ाता हूँ, ये लो तकिए, ये लो और ये लो, ठीक है। बढ़िया, सही सही सही। एक ये कंबल और पकड़ो, ये लो, ये हम लेंगे ओढ़, ठीक है। ये भी आ गया, ये देखो इसको बंदर को आज ना पूरी रात नींद नहीं आने वाली। ये भी बोल रहा है कि मैं भी सोऊंगा यहीं पे, लेकिन भाई सुबह इसका पेपर है तो इसको जाना पड़ेगा। लॉग एंड मैं करूं? हाँ, स्टार्ट भी मैंने किया था क्योंकि तो भाई अब रात बहुत हो चुकी है, करीब 1:30 बज गया। कैंपिंग करके मस्ती करके हम थक चुके हैं, काफी एंजॉय भी किया, म्यूजिक भी सुना। म्यूजिक आपको बता नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का चक्कर रहता। तो 1:30 बज चुके हैं करीबन, और अब नींद बड़ी तेज आ रही है, नींद आ रही है, सुबह जल्दी भी उठना होता तो सो रहे हैं। सो रहे हैं। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और जो सुबह का जो भी ये पैकअप वगैरह करेंगे वो सुबह ही दिखाएंगे, सुबह दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे जैसा भी है। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो, वैसे तो कैंपिंग वाला व्लॉग था वो भी छत के ऊपर, तो ज़्यादा कुछ बाहर के नज़ारे हम दिखा नहीं पाए। रात कैंपिंग, घर की कैंपिंग थी और रात ही थी तो ऐसा ही है। बाकी अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ है भी दबाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। बाकी जैसे ही अपना हाथ ठीक होगा तो एक से बढ़कर एक व्लॉग आएंगे और हम बाहर कैंपिंग भी करके आएंगे, बिल्कुल करके आएंगे, और नया कोई रोड ट्रिप भी स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब करते हैं टाटा बाय बाय, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।
que dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta y salir y se suelta. Pongo en la reggaeton pa' mí, que muñeca.